मुजफ्फराबाद सोशल वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम चैरिटी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ऑफिस में मुकीम लावारस और बेआसरा बच्चों में ईद गिफ्ट्स और खेलों का सामान तकसीम किया। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुजफ्फराबाद सोशल वेलफेयर सोसाइटी जफर शहीद ने कहा, हम चाहते हैं कि इन बच्चों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें जो बेआसरा हैं। इसी वाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन से। जी जाफर, क्या कहना है चाइल्ड प्रोटेक्शन तर्जमान का? जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और हमारे साथ उसके तर्जमान भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज मुजफ्फराबाद वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बच्चों में गिफ्ट और शर्ट वगैरह दी गई है, मज़ीद क्या देखते हैं कि ये काविश कैसे है वेलफेयर मुजफ्फराबाद? जी बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। ये आज ये हमारे पास बच्चों के पास आए हैं, हमारे पास जो रिहाइश पजीर हैं, लावारिस, गुमशुदा, बेआसरा बच्चे, उनमें उन्होंने ईद के गिफ्ट तकसीम किए हैं, बच्चों के साथ केक काटा है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में ये हमारे साथ ऐसे एक्टिविटी हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो मुल्तान का ऑफिस है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमने यहाँ पे मुजफ्फराबाद सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम चैरिटी के ताबुन से हमने यहाँ पे जो 60 बच्चे मुकीम हैं जो यहाँ पे बेआसरा और लावारिस हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उनकी कफालत कर रहा है, तो उन बच्चों के साथ हमने आज ईद का केक उनके साथ काटा है और ईद गिफ्ट्स हमने उनके साथ तकसीम किए हैं और उनको खेलों का सामान दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ से मूव कर जाते हैं, घरों में चले जाते हैं वापस, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो सामान है खेलने का ये उनके साथ यहाँ पे रहेगा और वो खेलेंगे। और उन बच्चों को हमने टी शर्ट्स जैसे मैंने पहनी हुई है इसी तरह की टी शर्ट दी है और एक पी कैप दी है ताकि उनको हमारी जो ये काविश है, कोशिश है कि हम बच्चों को चाहते हैं कि 1121 की जो हेल्पलाइन है वो आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँच सके। लावारिस बच्चे जो मुल्तान कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे उनको एहतमाम दे रही है, उनका ख्याल रख रही है, वहाँ पे आज इन्होंने ईद गिफ्ट भी तकसीम किए और केक भी काटा गया। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन तफसीलात से आगाह करने का।